हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ डेनवाल। सो इन नाइन्थ क्लास वी वर डिस्कसिंग आवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड वी वर सॉल्विंग आवर लास्ट एक्सरसाइज, आई थिंक 4.3 एक्सरसाइज, एंड वी ऑलरेडी डन सम ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व सम रिमेनिंग क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, एंड बच्चों नाउ वी विल सोल्व क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी बीन डन। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन इज 5, 6 एंड 8। जस्ट बच्चों लेट मी चेक द कैमरा अगेन। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो नाउ वी विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर। बच्चों टू फिगर्स गिवन है, पहले हम वो फिगर प्लॉट कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, फिगर क्या कह रहे हैं, ऑन कार्टेशियन प्लेन वी आर जस्ट ड्रॉइंग ए डायग्राम ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। दिस ओरिजिन कोऑर्डिनेट इज 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. नाउ लाइन पासिंग दिस पॉइंट 1, 1, अगेन -1, 1, बच्चों लाइन ऐसे पास हो रहा है। दिस पॉइंट इज 1, 1, दिस पॉइंट इज -1, -1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3। इज इट क्लियर बच्चों? ये ग्राफ गिवन है एंड आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है बच्चों? इसी में क्या गिवन है, कुछ सॉरी क्वेश्चन नहीं इक्वेशंस गिवन है। हमें बताना है कि कौन से इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो बच्चों देखो, इसी में मान लो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम y इज इक्वल टू एक्स। प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन है x प्लस y दैट इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, एंड इक्वेशन नंबर 4th इज 2 + 3y दैट इज इक्वल टू 7x। बच्चों आप गौर फरमाइएगा, अगर हमें पता है कि सर कोई भी ग्राफ है उसके कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स इन्हीं में से किसी एक का एक ग्राफ प्लॉट है, तो जो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन बनी है जिन पॉइंट से या जिन सॉल्यूशन से, दीज पॉइंट्स विल मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, हम चेक कर लेते हैं। बच्चों देखिए, बच्चों ध्यान दो, अगर हम 0, 0 पॉइंट की बात करें, इसका मतलब सर पहले तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए सर सेंटर पॉइंट से पास हो रही है, और सेंटर पॉइंट या ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है y इज इक्वल टू kx फॉर्म में, ठीक है? तो सर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, कन्फर्म है बच्चों इन दोनों में से के एक लाइन आएगी। बट ये भी हो सकता है बच्चों, देखो कैसे x प्लस y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू -y है, तो ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है सेंटर से पास हो रही इस वजह से। बट अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो इस इक्वेशन को देखो क्या कह रहा है, x का वैल्यू 1 रखें सर, इसको लेते हैं फर्स्ट वाले को, ठीक है बच्चों? क्या कह रहा है बच्चों, x का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो रख दिया, तो y का भी 1 आना चाहिए सर, आ रहा है, और बोल रहा है दोनों में 0, 0, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। x y की 0 रखो तो x की भी देखो 0 है, यहां पे दोनों इक्वल आ रही है। फिर देखो क्या कह रहा है, x की वैल्यू -1 पुट करो, -1, तो y की वैल्यू -1 आ रही है क्या सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब हमारा ग्राफ इसी इक्वेशन का है। आप दूसरे में चेक कर लो, देखो क्या x की वैल्यू 0 रखो, हम 0, 0 के लिए चेक कर रहे हैं सर, ये तो सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बाकी पॉइंट भी हो रहे हैं क्या? 1, 1, इट मीन्स हमें दोनों का वैल्यू क्या पुट। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना, ये रॉन्ग गिवन है बुक में, सॉरी बुक में यहाँ देखो क्या पॉइंट गिवन है बच्चों,
हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पॉइंट है माइनस वन कॉमा वन। अब हम इसको फिर से देखेंगे, हमने पॉइंट को लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, देखो कैसे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये है ग्राफ हमारा, देखो कैसे बच्चों। देखो पहले हम जीरो कॉमा जीरो पुट करते हैं, y का वैल्यू जीरो पुट करो और x का भी जीरो पुट करो, दोनों इक्वल आ गया। फिर हम दूसरे पॉइंट के लिए चेक करेंगे, वो पॉइंट है हमारा माइनस वन कॉमा वन, इसमें x का वैल्यू क्या पुट करना है बच्चों, माइनस वन, और y का वैल्यू वन, तो y की जगह वन पुट कर दो, x की जगह माइनस वन पुट कर दो, क्या दोनों इक्वल है? सर कभी नहीं हो सकते, ये आ गई बात समझ में। थर्ड पॉइंट इसमें है माइनस वन कॉमा माइनस वन, ठीक है। तो देखो y की जगह माइनस वन रखो, कर रहा है x की जगह माइनस वन, सब दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, बट यहाँ पे नहीं कर रहा। इट मीन्स इसमें तीनों पॉइंट हमारे सेटिस्फाई करने चाहिए थे, जबकि एक नहीं कर रहा। इसका मतलब सर ये ग्राफ तो नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? अब सर पहले में वी विल चेक सेकेंड इक्वेशन बाई जीरो कोमा जीरो, पुट द वैल्यू ऑफ x जीरो एंड y जीरो, इट मीन्स जीरो प्लस जीरो विल बी इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो। Now we'll check for the second point, माइनस वन कोमा वन। बच्चों x की जगह माइनस वन रखेंगे, y की जगह प्लस वन रखेंगे, क्या जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है? सर यहाँ भी आ रहा है, ये पॉइंट भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया। फिर है बच्चों माइनस वन, x की जगह माइनस वन रखेंगे, रख दिया सर। y की जगह क्या रखेंगे? माइनस वन, क्या दोनों का जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा सर, माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जबकि यहाँ इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो ये यह कंडीशन सर फ्लॉप हो गई हमारी, कौन से वाले? माइनस वन कोमा माइनस वन वाली। इसका मतलब ये इक्वेशन भी हमारी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, हम कहाँ अटक रहे हैं? ये तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा, कहीं ग्राफ के अंदर सॉल्यूशन तो रॉन्ग नहीं आ रहे हमारे, ठीक है बच्चों। देखो हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं, देखो माइनस वन कोमा जीरो कोमा जीरो पे तो कर रहा है सर, माइनस वन रखें अगर हम x की वैल्यू, तो y की वैल्यू सर वन आ रही है, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर दोनों वैल्यू क्या आ रही है? देखो यहाँ पे माइनस वन रखते हो तो माइनस वन, इस पे तो ये तो नहीं आ रही। सेकेंड वाली ग्राफ को देखो बच्चों, x यहाँ पे हमने एक मिस्टेक क्या करी है, देखो अगर करी है कि नहीं करी है। दोनों वैल्यू जीरो रखो सर, जीरो आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू सर माइनस वन रखा, y का वैल्यू प्लस वन रखा, जीरो आ गया सर, ये सही हो गया काम। यहाँ देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे माइनस वन और माइनस वन सर दोनों मिलके माइनस टू होगा, जो ये तो ये भी नहीं हो रहा। तो थर्ड वाले में हम चेक करते हैं जीरो इक्वल टू जीरो, सर अगर मैं जीरो और जीरो पुट करता हूँ तो सर ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है। फिर मैं बच्चों पुट करूँगा माइनस वन कॉमा वन, बच्चों एक्स वाई की जगह तो वन पुट करूँगा और एक्स की जगह माइनस वन पुट करूँगा, वन इज इक्वल टू माइनस टू, सर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो फिर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे? ये देखो ये लास्ट वाला, देखो क्या कह रहा है, माइनस वन, बच्चों वाई की जगह माइनस वन पुट करेंगे इज इक्वल टू, फिर एक्स की जगह भी माइनस पुट करेंगे वन, तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू आ रहा है, ये भी सर नहीं होगा। तो बच्चों अगर ये तीनों ही नहीं हो रहे थे, फिर फोर्थ वाले को होना चाहिए, चेक करेंगे क्या वो हो रहा है क्या, देखो कैसे। बच्चों फोर्थ वाला भी नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी इक्वेशन के लिखने में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है। देखो फिर से हम चेक कर लेते हैं एक बार, देखो ध्यान दो, अगर हम सबसे पहले वाले में एक पॉइंट रखते हैं, तीनों पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं हमें। अब देखो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखो कौन सी वाली, अगर जीरो कोमा जीरो ही पुट करते हैं, तो देखो टू प्लस थ्री कोमा जीरो इज इक्वल टू सेवन इंटू जीरो, टू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्या बच्चों टू जीरो के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये इक्वेशन तो हमारी पहले ही नहीं होगी बच्चों, इन तीनों इक्वेशन में से कहीं ना कहीं आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है हमारी, एक कोऑर्डिनेट है बच्चों माइनस वन कोमा वन, फिर एक कोऑर्डिनेट है जीरो कोमा जीरो, और एक बच्चों एक कोऑर्डिनेट है वन कोमा माइनस वन। देखो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई बच्चों, कोऑर्डिनेट लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हो गई। कैसे सर? यहाँ पे वन है और यहाँ पे माइनस वन है, तो अभी हम इसको दोबारा सोल्व कर लेते फटाक से, एक मिनट का काम है। देखो बच्चों इसीलिए कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स को केयरफुली लिखेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस ही हो रहे हैं। देखो ये तो हमें श्योर था कि सर फोर्थ वाली नहीं होगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है माइनस प्लस, यहाँ दोनों माइनस माइनस होते हैं, जबकि हमने यहाँ लिख दिया था, ठीक है। अब देखो
आप सबसे पहले इसको चेक करेंगे 0.0 पे, तो सर 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा, चेक हो गया। फिर चेक करेंगे बच्चों -1, +1 पे, y का वैल्यू रखेंगे 1, x का वैल्यू रखेंगे -1। क्या दोनों इक्वल होते हैं? नहीं होते, ये यहीं फ्लोप हो गया। जहां फ्लोप हो जाए वहीं रुक जाओ, फिर भी कर देते हैं। फिर एक पॉइंट है 1, -1। बच्चों 1 किसकी जगह रखेंगे? y की जगह -1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे। क्या ये इक्वल होता? नहीं होता सर। अब इसमें चेक करो बच्चों, x 0.0 के लिए चेक करेंगे पहले हमें, तो 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0, इट मीन 0 = 0 आ गया सर, इसके लिए चेक हो गया। फिर हम चेक करेंगे बच्चों -1, 1 के लिए, तो बच्चों x की जगह -1 रखेंगे प्लस y की जगह 1 रखेंगे, तो 0 = 0 सर, इसके लिए भी चेक हो गया। फिर थर्ड वाला ग्राफ क्या कह रहा है बच्चों? x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह -1 रखेंगे, तो 1 - 1 और उधर RHS में 0, इट मीन 0 = 0। बच्चों ये वाला जो है ना -1 और -1 के लिए भी एग्री है। तो देखो तीनों पॉइंट्स 1, 2, 3 ये सेकेंड वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स ये वाला ग्राफ कौन से इक्वेशन का बना हुआ बच्चों? x + y = 0। सॉरी आपको क्या कह रहा था, हमने कोऑर्डिनेट लिखने में मिस्टेक हो गई थी बच्चों, इज इट क्लियर? देखो सेकंड वाला फटाक से सॉल्व कर देंगे हम। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में सेकंड क्वेश्चन, बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफ बना हुआ है आपका। देखो बच्चों ग्राफ बना देता हूं, चलो मैं बच्चों ध्यान दो, पॉइंट थ्री इधर थ्री तक जा रहे हैं, 1, 2, 3, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, ये प्लस है सॉरी, -1, -2, -3, -3, -2, -1, इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए बोर्ड पे ध्यान से, बच्चों देखें पॉइंट्स, इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है बच्चों, जो दे रखा है -1, 3, एक पॉइंट बना रखा है बच्चों -1, 3, तो वो यही होएगा जो मैंने पॉइंट बना दिया। एक पॉइंट दे रखा है बच्चों 0.2, ठीक है, तो फिर तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए 2.0। बच्चों स्ट्रेट लाइन पास हो रही, हो सकता है मेरी ना बने पर तुम्हारी बननी चाहिए। बच्चों उस पर 3 पॉइंट्स गिवन है, 1, 2 और 3, इज इट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 इक्वेशंस गिवन है, कह रहा है कौन से इक्वेशन का ये ग्राफ है, इट मीन्स वो चारों इक्वेशन को तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बच्चों देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, y इज इक्वल टू x + 2। बच्चों सेकंड क्या कह रही है, y इज इक्वल टू x - 2। बच्चों इस बार हम ध्यान से देखेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लिखने में वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज मिस्टेक हो गई तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, और इक्वेशन में भी प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे। y इज इक्वल टू x + 2, y इज इक्वल टू x - 2, y इज इक्वल टू -x + 2, x + 2y दैट इज इक्वल टू 6। और बच्चों ग्राफ में पॉइंट है -1, 3, 0.2 और 2.0। अब बच्चों देखो हम इन ग्राफ में इन पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे। जैसे पहला ग्राफ लेते हैं हम, फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ग्राफ तो ऑलरेडी बना हुआ है। बच्चों हम तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करवाएंगे। सबसे पहले इसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई होगा? -1, 3। बच्चों वाई की जगह कितना पुट होगा? 3। एक्स की जगह पे -1, +2। बच्चों 3 = 1 आ गया। क्या ये पॉसिबल है? सर कभी नहीं हो सकती इक्वल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लो बच्चों 0.2। बच्चों x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे। बच्चों y की जगह 2 पुट हो गया, x की जगह 0 पुट हो गया एंड 2। सर 2 = 2, ये सर बिल्कुल सही है। और एक पॉइंट इसी में क्या पुट होगा बच्चों? 2.0। इसका मतलब सर y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0। x की जगह 2। तो क्या बच्चों 0, 4 के इक्वल हो सकता है? नहीं बच्चों। 3 पॉइंट है, तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं हो रहे, इसका मतलब फर्स्ट ग्राफ हमारा नहीं होगा। बच्चों सेकंड वाला ग्राफ देखो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। बच्चों फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक करेंगे
-1, 3। बच्चों 3 इसकी जगह रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे और यहाँ -2 है। क्या 3 हमारा -3 के इक्वल हो सकता है? क्या सर? कभी नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट के लिए चेक करेंगे 0, 2 के लिए। बच्चों y की जगह 2 रखेंगे, x की जगह आप 0 रखेंगे, -2। सर 2 इज इक्वल टू -2, क्या ऐसा हो सकता है? सर कभी नहीं हो सकता। फिर रखेंगे 2 को, बच्चों एक भी क्रॉस हुए तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ जाएं। x की जगह बच्चे 2 रखेंगे, y की जगह 0। सर यहाँ तो हो गया, बट वो पहले ही गड़बड़ हो गया था काम, क्योंकि दो जगह नहीं हुआ। अब हम बच्चों थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू -x + 2। बच्चों जस्ट लेट मी चेक द फोकस ऑफ द कैमरा। यस बच्चों, फोकस ऑफ द कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों देखिए, इसी में y क्या कह रहा है? -x + 2 थर्ड में। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक करेंगे, वो है हमारा -1, 3। ठीक है, तो बच्चों देखो -1 पुट करेंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस ऑलरेडी है बच्चों, +2। तो बच्चों 3 इज इक्वल टू -1 + 2, 3 इज इक्वल टू 3। सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। देन 0, 2। बच्चों ध्यान दो, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो 2 इज इक्वल टू -0 + 2। बच्चों 2 इज इक्वल टू 2 होता, सर बिल्कुल सही पकड़े। फिर आगे है पॉइंट सर 2, 0। अब थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका मतलब इसी ग्राफ, इसी इक्वेशन का ग्राफ है हमारा वो 2, 0। बच्चों 0 रखेंगे y की जगह, x की जगह 2 रखेंगे, तो माइनस लगा हुआ -2। तो बच्चों ये देखो -2 + 2, 0 होता है। सर ये भी क्या तीनों पॉइंट हमारे सेटिस्फाई हो गए? मतलब सर इसका ग्राफ है वो, ये ग्राफ किसका है? इस थर्ड का। हम चेक करेंगे क्या फोर्थ में भी हो सकता है, फोर्थ का भी हो, ये एक से ज़्यादा भी तो आ सकती है। आपको क्या बताया गया था, पॉइंट से अलग अलग ग्राफ भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, कन्फर्म नहीं है। हम देखो अब फोर्थ वाले में पुट करते हैं पॉइंट। फोर्थ वाला क्या कह रहा है बच्चों हमारा? x + 2y दैट इज इक्वल टू 6। फर्स्ट पॉइंट चेक करेंगे -1, 3 से। y x की जगह बच्चों -1 रखेंगे, प्लस y की जगह 3 रखेंगे, 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। बच्चों ध्यान दो, -1 + 6 दैट इज इक्वल टू 6, -5। बच्चों ये तो यहीं फ्लॉप हो गया, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? सर कभी नहीं हो सकते। इट मीन्स क्या हुआ, दिस ग्राफ बिलोंग्स टू दिस थर्ड इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू -x + 2। बच्चों क्वेश्चन वॉज लेंदी, बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे।